लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। मलिन बस्तियों में नहीं हो रहा है मानक के अनुसार कार्य। जी हां, बगैर नाली के बना डाली सड़क और निर्माण कार्य में लगाया घटिया सामग्री प्रयोग करने का आरोप। कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं क्षेत्रीय पार्षद और क्षेत्रीय पार्षदों ने कहा है कि गलियां बनने के कुछ ही दिन के बाद टूटी गलियां। नगर निगम के वार्ड नंबर 21 आसफाबाद सती नगर मलिन बस्ती में डूडा विभाग द्वारा कराए जा रहे गली निर्माण कार्य में क्षेत्रीय पार्षद ने मानक के अनुसार कार्य न करने का लगाया आरोप। गलीवासियों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा गली निर्माण में मानक के अनुसार कार्य नहीं कराया जा रहा है और ठेकेदार द्वारा भवन स्वामियों से गली में अपने पैसों से मिट्टी डलवाने के बाद निर्माण कार्य करने का भी आरोप लगाया। क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि पार्षद मोहल्ला सतीनगर में डूडा विभाग द्वारा स्वीकृत इन मलिन बस्ती की गलियों का निर्माण कराया जा रहा है। ठेकेदार और संबंधित विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत से इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण मानक के अनुसार नहीं कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत कई अधिकारियों से की गई, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठेकेदार द्वारा बनाई गई गलियों में नालियां भी नहीं बनाई गई, जिससे घरों से निकलने वाला पानी सड़कों पर भरा रहता है। गली का निर्माण शुरू होने से लेकर अब तक निर्माण स्थल पर मानक बोर्ड नहीं लगाए गए। फिरोजाबाद से विपिन राठौर की रिपोर्ट। मोहल्ला सती नगर, इसमें जो ये गलियां बन रही हैं, ये ईंटें कैसी हैं? इन ईंटों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ईंटों के बारे में ये कहना चाहेंगे, हमारी ये गली का निर्माण जो हो रहा है, भाग दौड़ के हम लोगों ने कोशिश की है, आज निर्माण हो रहा है इसका। कच्ची पीरा ईंट लगाई जा रही है, इसमें 40 तसलों में एक दो बोरियां डाली जा रही हैं। 10-12 एकड़ मसाला चलाया जा रहा है, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। ठेकेदार एक बार आता है, देख के चला जाता है, लेबर को समझाता जा जाता है, उसी तरीके से लेबर काम कर रही है। आगे वाले मैन खरंजा से कम 1 फुट नीचा खरंजा, ये गली बनाने के बाद में उसकी नाली 1 फुट नीची की जा रही है। अब हमारा पानी इस गली का बाहर नहीं गिरता है तो हमें गली बनाने का क्या मतलब है? हमारी गली का पानी बाहर निकलना चाहिए। अब बाहर की नाली है 1 फुट ऊँची और हमारी गली की नाली 1 फुट नीची की जा रही है। अब ये गली बन रही है और ये लोग तो बना के छोड़ जाएंगे, फिर हमारी कोई नहीं सुनेगा। तो इस वजह से मैं कोशिश यही करना चाहता हूँ कि जहाँ तक है तहाँ तक सही सलामत ही काम किया जाए इस पर। राठौर पार्षद प्रतिनिधि, ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 21। ये आपकी जो गलियाँ बन रही हैं, ये किस विभाग से बन रही हैं और ये क्या मामला है पूरा? डूडा विभाग से बन रही हैं, ये इनका ठेकेदार हैं विनोद यादव, रंजीत यादव। क्या मामला है यहाँ? मामला ये है, ये अपनी मर्जी से बनाते हैं। कई बार हमने विधायक जी को, DM साहब को लेटर दिए हैं, लेकिन इस पर कोई अभी इसका समाधान नहीं हुआ है। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है, जो नाली बननी चाहिए वो नाली जो जियो में है वो नाली नहीं बनी है। इनने केस वैसी नाली बना दी है, केसी बोलते क्या ये, और नाली वो नहीं बनाई है क्या? और इसमें कोई मिट्टी, वो क्या नाम है, जो गिट्टी वगैरह पड़ती है वो नहीं पड़ी है। घटिया किस्म की ईंट है, घटिया किस्म की इंटरलॉकिंग है। मानक के अनुसार काम नहीं किया गया है। ये देख के अगर सत्य है उस चीज़ को देख लिया जाए, लेकिन अधिकारी भी लापरवाही कर रहे हैं, अधिकारी भी जो शिकायत पर गौर नहीं किया जा रहा है। अब हम किससे शिकायत किए, किससे शिकायत करें, कहाँ जाएं शिकायत करने? आपने शिकायत की कितने दिन हो गए? शिकायत की है करीब, जब से काम चल रहा है 4 महीने 5 हो गए, तब से ही शिकायत कर रहे हैं, शिकायत बराबर दे रहा हूँ। प्रभारी मंत्री जी से भी की थी? प्रभारी मंत्री जी से निर्बल ने की होगी, या इनके कहने से, हम उस स्थान पर मौजूद नहीं थे, शिकायत तो की है। यहाँ का मानक बोर्ड कहाँ है? मानक बोर्ड नहीं लगाया है, कोई मानक बोर्ड ठेकेदार ने नहीं लगाया, और कई बार कहने पर भी लापरवाही करते हैं, मानक बोर्ड नहीं लगाया है। कौन से ठेकेदार थे? ठेकेदार विनोद यादव, रंजीत यादव। आप मानते हैं कि घोर लापरवाही हो रही है? घोर लापरवाही हो रही है साहब, कितने कहने के बावजूद भी कोई इसमें सुधार नहीं कर रहे हैं। आपने कहा? बिल्कुल, कई बार कहा है, एक बार नहीं कई बार कहा है, शिकायत भी की है, लेटर भी दिया है, DM साहब को लेटर दिया है। ठेकेदार क्या बोलते हैं? ठेकेदार कहते हैं कि हाँ हाँ करके, और ये क्या नाम है, वो आ जाते हैं रामसाय जे ही साहब आ जाते, कहते हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन हमें पेमेंट से क्या मतलब है? हमें तो पेमेंट इनका कल कर दो, लेकिन हमारा काम सही हो जाना चाहिए, गली सही बने, पेमेंट हो,
पेमेंट की हम थोड़ी रोकते हैं, पेमेंट उसका हो लेकिन काम तो हो सही, जो मानक में है वो काम हो मानक के। अब पार्षद किस पे जाएगा शिकायत करने, कहाँ जाएगा? पब्लिक कहेगी पार्षद से, शिकायत करेगी कि पार्षद जी काम गलत हो रहा है, और पार्षद अधिकारियों से ही तो शिकायत करेंगे, किससे करेंगे? इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होगी, फिर कहाँ क्या होगा?